मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन ने प्रीवियस क्लास में अपन ने चर्चा की थी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर को लेकर के, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, और अपन चर्चा की थी भारतीय विचारक, भारतीय था भारत के जो प्रमुख विचारक, जो अध्याय है, जो आपकी बुक है, उसमें से अपन ने चर्चा की थी गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर के, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको लेकर के अपने चर्चा की थी। और मैंने उस क्लास में आपके सामने गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित जो महत्वपूर्ण हैं, उनके जो बिंदु हैं जिनका अध्ययन अपने को करना है, उनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि इनके प्रत्येक बिंदु को अपन अगली क्लास के अंदर एक अलग वीडियो के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। और उस समय जो अपन ने केवल और केवल अपन ने जीवन परिचय और उनके महत्वपूर्ण विचारों के जो बिंदु थे उनको समझने का अपन ने प्रयास किया था। तो सबसे पहले आपने जीवन परिचय का अध्ययन किया। मैं आपको हल्का सा इनके साथ जोड़ देना चाहता हूँ कि उनके जीवन परिचय के संदर्भ में अपन ने देखा था कि इनका जन्म जो था वो मई 1866 में कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था वो था कोल्हापुर, और वंश था इनका वो था ब्राह्मण परिवार में, ये अपन ने देखा था। और मैंने आपको बताया था कि जब अपन जीवन परिचय को डिटेल के साथ गहराई के साथ पढ़ते हैं तब अपन देखते हैं कि कोई भी विचारक है उनके विचार जो हैं वो सर्वाधिक किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। और उस समय मैंने आपको कहा था कि विचारकों के जो विचार हैं वो सबसे ज़्यादा परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा महान जो व्यक्ति होते हैं उनके संपर्क में आने के बाद उनके विचारों में हमें नया बदलाव दिखाई देता है। तो परिस्थितियों की बात अपन चर्चा करते हैं। तो 1866 में भारत जो था स्वतंत्र नहीं था, उस समय भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश हुकूमत का राज हुआ करता था। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो थी, तो उन परिस्थितियों के माध्यम को अपन जब देखते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ इनके विचार जो हैं वो प्रभावित होते हैं। महान व्यक्तियों की जब अपन चर्चा करते हैं तो अपन ने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनके विचारों पे प्रभाव आता है परिवार का, निश्चित तौर से हर विचारक को परिवार प्रभावित करता है। गोखले के जब विचार अपन पढ़ते हैं तो इनमें तिलक का प्रभाव भी आता है, आगराकर महोदय का प्रभाव भी दिखाई देता है, फिरोज शाह मेहता का प्रभाव भी दिखाई देता है, और गोविंद रानाडे का प्रभाव भी दिखाई देता है। ये चीज़ें अपन ने वहाँ उस क्लास के माध्यम से देखा था। मैंने बताया था गोविंद रानाडे को इनका गुरु माना जाता है सर। इसके अलावा 1905 में इन्होंने भारत सेवक समिति की स्थापना भी की थी, और एक सुधारक नामक पत्र भी प्रकाशित किया था। तो ये मोटी मोटी चीज़ें उनके जीवन परिचय को लेकर के थी। निश्चित तौर से ये जो व्यक्ति हैं वो उनको प्रभाव जो है वो उनके विचारों पे दिखाई देता है। अब गोपाल कृष्ण गोखले की जो विचारधारा है वो है उदारवादी, और उदारवादी विचारधारा का अपन जब अध्ययन करते हैं तो अपन देखते हैं कि 1885 में जिस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसमें उदारवादी विचारधारा और उग्रवादी विचारधारा दो समूह बनते हैं। तो उदारवादी विचारधारा के साथ इनका
जुड़ाव था, उदारवादी विचारधारा तो जो थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास करती थी। उनके द्वारा जो भी प्रयोग भारत में जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो भारतीयों के हित में है, जबकि उग्रवादी जो विचारधारा थी वो उनका भारत में विरोध करती है और कहती है कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है वो उग्रवादी करते हैं, अंग्रेजों को भारत से निकालने का प्रयास भी वो करते हैं। ये चीज़ें अपन ने देखी थी। आज अपन यहाँ इस क्लास के माध्यम से अपन दो चीज़ें आज देखने का प्रयास करेंगे। एक तो इनका राजनीति का जो आध्यात्मिकरण है उसको देखेंगे, और दूसरा जो अध्याय है राजनीति वसीयतनामा, उनको आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं इनको मिटा देता हूँ क्योंकि ये पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है, लेकिन आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा प्रयास है कि पहले वाली क्लास के अंदर आपने जो कुछ पढ़ा था वो आपको यहाँ एक मोटे तौर पे आपको ये याद रहे कि अपन ने इनके जीवन परिचय के बारे में ये चीज़ें अपन ने देखी थी, और उन्हीं के आधार पे आज अपन इसकी विचारों को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनके विचारों में, यहां लिखते हैं विचार, और विचारों में सबसे पहले अपन देखते हैं राजनीति का आध्यात्मिकरण। ये सवाल आपके सामने आ जाए या अपन यूं कहें कि इस चीज को अपन किस प्रकार से व्यक्त करें, यह महत्वपूर्ण है। आपको केवल यह समझने का प्रयास करना है राजनीति और राजनीति का आध्यात्मिकरण किस प्रकार से वो करते। आपको यहाँ बेसिकली सबसे पहले आपको दो बिंदु आपको मानने हैं यहाँ पे कि इन्होंने जो बल दिया है वो दिया है यहाँ पे साध्य, और दूसरा जो है वो है साधन। इन चीजों पे इन्होंने बल दिया है, अर्थात राजनीति का जो आध्यात्मिकरण है इसके लिए साध्य और साधन दोनों की क्या होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। मेरे साथ साथ आप भी इन चीज़ों को आप नोट करते रहें अपने नोटबुक में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आपको केवल और केवल उस फैक्ट को पकड़ना है जो फैक्ट उस संपूर्ण तथ्य को क्या करता है, स्पष्ट करता है। तो यहाँ राजनीतिक आध्यात्मिकरण का जो उनका विचार जो था, यथार्थ पर कहे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो राजनीतिक आध्यात्मिकरण पे बल देते थे, अर्थात वो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल देते थे, बल देते थे। आप साथ साथ इस प्रकार से आप बनाते रहे। अब देखिए यहां साध्य, साध्य की चर्चा अपन करते हैं तो मैं यहां दूसरा चार्ट बना देता हूं आपके सामने। साध्य के रूप में है स्वतंत्रता, किसकी, राष्ट्र की, और साधन, साधन हो जाएगा इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के साधन, प्राप्ति के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले साधन। ये तो यहां प्रयोग में लिए जाने वाले साधन, यहां मैं कोष्ठक में लिख सकता हूं आपको यहां सामने यहां पे संवैधानिक साधनों पर बल, यानी संवैधानिक साधनों के प्रयोग पर बल लिख सकते हो, संवैधानिक साधनों के प्रयोग पर बल। तो आ गई ये चीज, यानी इस राजनीति के आध्यात्मिकरण में कुछ नहीं है, यानी बहुत ही सिंपल है। आप केवल और केवल दो शब्दों को देखिए, ये साध्य और साधन की पवित्रता पे बल देते हैं, अर्थात साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। ये एक नहीं है कि अपन पवित्र है साध्य की प्राप्ति के लिए अपन किसी प्रकार के साधन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का लक्ष्य मान लीजिए कि आप, या मान लीजिए कि
आपका जो लक्ष्य है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की आप एग्जाम दे रहे हो, आपका लक्ष्य है बीए पार्ट फर्स्ट की एग्जाम को फाइट करना अच्छे अंकों के साथ, यानी बीए पार्ट फर्स्ट की एग्जाम जो है वो आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करना चाहते हैं। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपका एक साध्य है, आपने ये एक साध्य बना लिया कि मैं अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करूँगा। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए अब आपका जो अध्ययन है, आप किताब भी पढ़ते हैं, आप क्लास भी अटेंड करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, अपने नोट्स भी बनाते हैं या अन्य गुरुजनों के जो नोट्स हैं वो भी आप इकट्ठा कर करके अपने एक अच्छे नोट्स की जो रूपरेखा है वो तैयार करते हैं, और उसके बाद आपने जो चीज़ अध्ययन किया है उसको पूरी ईमानदारी के साथ आप उसको प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ आपका साध्य भी पवित्र है और साधन आपने जो काम में लिए वो भी क्या है, पवित्र है साहब। और अगर आपने अच्छे अंकों से आपको फाइट करना है, पवित्र साध्य के रूप में आपने इसको ले लिया, लेकिन आप इसके लिए आप ना तो आप अध्ययन करते हैं पूरे साल भर, या आप यूँ कहें कि अंतिम समय में आप पासबुक का या सीरीज का सहारा लेते हैं, या आप एग्जाम में नकल करने के लिए आप उसमें प्रयासरत रहते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं आपके जो साधन हैं वो क्या है, पवित्र नहीं है साहब, अपवित्र साधन है। तो ये आपको यहाँ मैं केवल और केवल एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज़ को थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि साध्य और साधन है उनमें अंतर क्या होता है। जो आपने तय किया है उस तक पहुँचने के लिए आपने जो मार्ग चुना है वो मार्ग भी आपका क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए साहब। तो इस प्रकार वो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पे बल देते थे। अब यहाँ साध्य है स्वतंत्र राष्ट्र की स्वतंत्रता, और इस राष्ट्र की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के साधन जो यथार्थ प्राप्ति के लिए जो भी साधन प्रयोग में लिए जाएंगे वो भी पवित्र होने चाहिए, इसलिए वो संवैधानिक साधनों के प्रयोग पर बल देते हैं। और साथ में ये कहते भी हैं कि इन संवैधानिक साधनों के प्रयोग पर बल देने के कारण ही उन्होंने 1905 में भारत सेवक समिति की स्थापना की थी। अर्थात इसमें जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो नैतिकता के आधार पे राजनीति का जो कार्य है वो करें, अर्थात राजनीतिक लक्ष्यों की जो प्राप्ति है वो नैतिकता के आधार पे अपने राजनीतिक विचारों का जो आरंभ है, उनका जो उत्थान है वो उसके आधार पे करें। तो यहाँ इसका जो मुख्य उद्देश्य था 1905 में स्थापित भारत सेवा संघ समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के युवा वर्ग अपने नैतिकता के आधार पे राजनीतिक आयाम को प्राप्त करने का प्रयास करें, और राजनीतिक जो लक्ष्य हैं, राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अर्थात राष्ट्र की स्वतंत्रता की प्राप्ति जो है, उनका जो राजनीतिक लक्ष्य जो है वो है, उसके लिए वो संवैधानिक साधनों के प्रयोग पर बल दें, उन पर कार्य करें नैतिकता के आधार पे। तो यहाँ इनका जो विचार था राजनीतिक आध्यात्मिकरण वो इसी आधार पे स्पष्ट होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ में आप अपनी नोटबुक भी साथ साथ रखें, जब भी आप वीडियो देखते हैं उस समय आपके पास अपनी नोटबुक, अपना पेन अपने पास होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो बोर्ड पर लिखी जा रही हैं आप उनको साथ साथ लिखते रहें। तो ये तो अपन ने पहले बिंदु पर चर्चा की, अब अपन चर्चा करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा। मिटा देता हूं मैं इसको, अब देखिए इसकी रूपरेखा कि राजनीतिक जो वसीयतनामा जो था गोपाल कृष्ण गोखले का, ये राजनीतिक वसीयतनामा के आधार पे क्यों जाना जाता है। अब ये भी इनका एक सुधार का एक मांग है, यानी सुधार करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक मांग पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें कुल मिलाकर के 9 प्रमुख मांगे थी। ये भी आता है इसमें 9 प्रमुख मांग थी और उन्हें के आधार पे दूसरी चीज़ आता है इनके, ये जो उन्होंने प्रस्तुत किया था इसमें किसका प्रभाव था,
किससे प्रभावित होकर के, तो यहाँ नाम आता है साहब फिरोज शाह, मेहता के आग्रह पर जब गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे 5 में, तो उस अध्यक्ष बनने के बाद फिरोज शाह मेहता के आग्रह पे गोपाल कृष्ण गोखले ने एक मांग पत्र तैयार किया था ब्रिटिश सरकार से, सुधार भारत में सुधार करने के लिए 9 प्रकार की उन्होंने मांग रखी थी। ये जो मांग पत्र था इसके साथ साथ ये 1915 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार को दिया था और 1915 में इनका देहांत भी हो जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले का देहांत भी 1915 में हो जाता है। और इनका जो ये मांग पत्र था ये 1917 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1917 में। ये 1917 में प्रकाशित हुआ था, 15 में इन्होंने दिया था और 15 में इनका देहांत हो जाता है, 17 में ये प्रकाशित हुआ था। ये उनके जीवन का अंतिम सुधार करने का जो मांग पत्र था वो, या प्रस्ताव जो था वो अंतिम था, इसलिए उसको राजनीतिक वसीयतनामा के आधार पे जाना जाता है। इनमें इन्होंने किस प्रकार की भारत में सुधार करने की जो मांग की थी उनको अपना बोर्ड के ऊपर अपन डिटेल वाइज देखने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो राजनीतिक जो वसीयतनामा जाना जाता है, इनके जो मांग पत्र था, ये 9 मांगे जो थी, इनका जो प्रभाव था जब ये 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, तो फिरोज शाह मेहता के आग्रह पे गोपाल कृष्ण गोखले ने एक 9 सूत्री मांग प्रारूप जो था वो तैयार किया था। और ये 1915 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को दिया, 1915 में इनका देहांत हो गया, देहांत होने के बाद ये प्रकाशित हुआ था, इसलिए इसको राजनीतिक वसीयतनामा के नाम से जाना जाता है। अब अपने को ये देखना है कि इसके अंदर इन्होंने किस किस प्रकार के सुधार की मांग की थी। पहली चीज है सुधार की जो मांग थी वो थी कृषि का वैज्ञानिकीकरण किया जाए, वैज्ञानिकीकरण किया जाए, या इसको अपन ये बोल सकते हैं आधुनिकीकरण किया जाए। ये महत्वपूर्ण था, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और कृषि के जो कार्य है, जो परंपरागत तरीके से जो कृषि की जा रही है, उस कृषि के अंदर ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जाए, इसके लिए कृषि का वैज्ञानिकरण, ऐसे उपकरणों की खोज, ऐसे उपकरणों की मांग जो थी उन्होंने सरकार के समक्ष रखी थी कि कृषि का वैज्ञानिकरण किया जाए, कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए, जो परंपरागत तरीके से जो कृषि की जा रही है उसके आधार पर उत्पादन जो है इतना उत्पन्न नहीं होता है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि का आधुनिकीकरण जरूरी है। दूसरी चीज जो थी उन्होंने कहा था वो था कि जो कृषक समुदाय है, जो कृषक वर्ग है, उनके लिए सहकारी समितियों की स्थापना की मांग की, स्थापना की मांग की कि सहकारी समितियां बनाई जाए जो समय समय पर कृषक समुदाय, कृषक वर्ग जो है उनकी मदद की जा सके, कृषक समुदाय इनसे अपनी मदद ले सकते हैं और यहाँ ये जो समितियां हैं वो पूर्ण रूप से कृषकों के लिए कार्य करेंगे। इसके अलावा उन्होंने पंचायती राज की मांग की, अर्थात प्रशासन के लिए नीचे के स्तर पे ग्रामीण शहरी जो छोटे क्षेत्र हैं
उनमें शासन व्यवस्था को नए सिरे से उनके अंदर सुधार किया जाए और अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर लोगों को अपने शासन में भाग लेने का अधिकार जो है वो उन्हें मिलना चाहिए, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए इन्होंने यहाँ पे पंचायती राज की मांग की थी। इसके अलावा चौथी महत्वपूर्ण मांग थी सिविल जो सेवा जो थी, सिविल सेवा का भारतीयकरण हो, यानी जो सिविल सेवा ब्रिटेन में ली जा रही है, अंग्रेजी माध्यम में ली जा रही है, उसमें जो चयन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है, जिसके कारण भारतीय समुदाय के जो युवा वर्ग हैं वो उसमें प्रवेश नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मांग रखी कि सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए, सिविल सेवा भारत में आयोजित हो, या यूँ कहें कि भारतीय भाषा के अंदर उनका आयोजन हो, भारतीय समुदाय के नौजवान जो हैं उनको उनमें हिस्सेदारी मिले, इस प्रकार की मांग जो थी उन्होंने यहाँ पे की थी। इसके अलावा जो था वो था सैन्य खर्च, ये आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। सैन्य खर्च में कटौती की मांग, यानी सैन्य यानी सेना पे जो खर्चा किया जा रहा है उसमें कटौती की मांग की थी। तो दादा इसमें गोपाल कृष्ण गोखले का ये भी एक इस मांग में महत्वपूर्ण मांग थी कि सेना के खर्च में कटौती की जाए, भारतीयों को सेना में भर्ती किया जाए ताकि यहाँ उनको वेतन दिया जा सके, जो कम भारतीय जो मुद्रा है वो उनको दी जाएगी, तो कम मुद्रा के अंदर भी भारतीय सैनिक हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। तो ब्रिटेन से जो सेना में जो भर्ती की जाती है उनको ज़्यादा जो है वेतन देना पड़ता है, इसलिए इसमें सैन्य खर्च में भी कटौती की जाए, इस प्रकार की मांग भी इन्होंने यहाँ पे रखी थी। और इसके साथ इन्होंने एक महत्वपूर्ण मांग थी कि भारत की जो विधानमंडल है, राज्यों के अंदर जो भारत की जो व्यवस्था थी, भारत की विधान मंडलों में भारतीय लोगों की का प्रतिनिधित्व है, बढ़ाया जाए, यह भी महत्वपूर्ण थी कि भारत के जो विधानमंडल है, राज्यों के अंदर जो विधानमंडलें कार्य कर रही हैं उन विधानमंडलों के अंदर भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इस पर भी इन्होंने बल दिया था, क्योंकि यहाँ भारतीय लोगों को यहाँ इन विधानमंडलों में ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, या यूँ कहें कि इनके जो अधिकार जो थे, जो लोग कुछ लोग चुने भी जाते थे, कुछ क्षेत्र जो थे उनके लिए, उनमें उनके पास इस प्रकार के अधिकार नहीं थे कि वो बजट पे अपने विचार प्रस्तुत कर सके, बजट कटौती पे अपने विचार दे सके, वो केवल एक सदस्य के रूप में कार्य करते थे लेकिन उनके पास उसमें अपने विचार रखने का अधिकार उनके पास नहीं था। तो यहाँ विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया भी जाए और साथ साथ में लोगों को अपनी बात रखने का भी अधिकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, ताकि वो अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो विधानमंडलों के अंदर रख सकें, उनका निराकरण करा सकें। तो ऐसी जो चीज़ें, इनके जो मूलभूत जो बिंदु थे, ये जो बिंदु हैं इनको उनकी मांगों के आधार पर अपन देख सकते हैं। इसके साथ ही जो केंद्रीय शासन था, जिसमें वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी जो समिति होती थी, उसमें भी सुधार की मांग की थी, उसमें भी सुधार हो, उसमें भी लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप अध्ययन करें
जब आप इस प्रकार के बिंदु एक एक बिंदु को लेकर के आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर से आप इन बिंदुओं को अच्छी तरीके से याद भी रख सकते हैं और अपने शब्दों में इनको व्यक्त भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये जरूरी नहीं होता है कि अपन कितना क्या पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए हो सकता है अपन एक चैप्टर का एक दिन में अध्ययन कर डालें, लेकिन आपने जितना पढ़ा उसमें से आपने कितने अध्याय कितने बिंदुओं को आपने समझने का प्रयास किया। और समझने का तात्पर्य है कि अपन अपनी शैली के अंदर उनके विचारों को व्यक्त कर सकते हैं कि गोखले ने जो अपन इनके जो राजनीतिक वसीयतनामा का अपन अध्ययन करते हैं इसे राजनीतिक वसीयतनामा क्यों कहा जाता है, इन्होंने जो अपने इस प्रकार का जो मांग पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया था ये मांग पत्र उन्होंने किससे प्रभावित होकर के तैयार किया था, और इनकी मृत्यु के बाद जब ये प्रकाशित होता है तो उसमें ऐसे कौन कौन से बिंदु थे जिनके आधार पे इन्होंने भारत की जो शासन व्यवस्था थी उसमें सुधार की मांग की थी और किन किन क्षेत्रों में उन्होंने सुधार की मांग रखी थी। तो जब आप इस प्रकार के सवाल अपने आप से करते हैं तो निश्चित तौर से आपने जो कुछ पढ़ा है वहाँ से आपको उसका उत्तर भी आपके सामने आपके दिमाग में उसका तुरंत जो है वो आपके सामने एक स्क्रीन सी आपके सामने प्रारंभ हो जाएगी। हाँ ऐसा उन्होंने कहा था, सैन्य खर्च में कटौती की बात की थी, सैन्य खर्च में कटौती किस प्रकार से होगी, ब्रिटिश सेना के लोगों को जो भर्ती किया जाता है तो वेतन ज़्यादा देना पड़ता है और भारतीय समुदाय के लोगों को यहाँ भर्ती किया जाएगा था तो वेतन कम देना पड़ेगा, तो इस प्रकार से इसके खर्चे में कटौती हो सकती है। और जो विधानमंडल है उनमें प्रतिनिधित्व की मांग की थी, प्रतिनिधित्व के साथ साथ उन्होंने कहा था कि लोगों को जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार भी मिलने चाहिए। तो इस प्रकार के विचार जो थी राजनीतिक वसीयतनामा में वो करते हैं। तो आज की इस क्लास के माध्यम से अपने दो टॉपिक क्लियर किए, एक तो राजनीति का आध्यात्मिकरण, गोखले के राजनीतिक आध्यात्मिकरण से संबंधित विचार किस प्रकार के वो जानने का प्रयास किया, और दूसरे अपन ने देखा गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा जो था वो क्या था उसको समझने का प्रयास अपन ने किया। अगली क्लास में अपन देखेंगे गोखले के राजनीतिक विचारों को जानने का प्रयास करेंगे, गोखले के आर्थिक विचारों को जानने का प्रयास करेंगे और गोखले के शिक्षा संबंधी और सामाजिक जो विचार हैं जितना भी अपने को समय मिलेगा अपन दो या तीन टॉपिक जो हैं वो अगली क्लास में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के माध्यम से आप गोखले के राजनीतिक आध्यात्मिकरण और राजनीतिक वसीयतनामा को आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और आपने अपनी किताब जो आपके पास है उसमें भी आप इन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करें ताकि जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा आपके सामने क्लियर हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।